बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम uh, अब टॉपिक हमारा है ऑर्डर ऑफ़ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये बहुत फेवरेट uh, क्वेश्चन है क्यूज क्विज़ के लिहाज से इंटरव्यूज़ के लिहाज से और ये जितने भी एंट्री टेस्ट होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के से मुतक ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर और डिग्री या डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाती है और पूछा जाता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है तो ये टॉपिक ये वीडियो इसीलिए बना है कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट हो जाए कि ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है और डिग्री क्या है इनमें डिफरेंस क्या होगा और किस तरह पहचान होगी कि भाई ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ये ऑर्डर है और ये इसकी डिग्री uh, है तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाइस्ट डेरिवेटिव दैट अकर इन द इक्वेशन जो हाइएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है लाइक like, कि अगर हमारे पास है डी वाई बाय डी एक्स प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल साइन एक्स इस वाई को मैं इस साइड पे लिख लेती हूं अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव ऑफ वाई dy बाई डी एक्स इन्वॉल्व है अब ऑर्डर का मतलब है ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव अब इसमें सिर्फ सिंगल ही डेरिवेटिव इन्वॉल्व है और वो वन टाइम जो है वो डिफरेंशियट हुआ हुआ है यानी जो हमारे ऑर्डर है उसका जो सॉरी जो डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर वन है क्योंकि यहाँ पर एक ही उसका आ, आ, जो है सिंगल डेरिवेटिव लिया गया है इसलिए ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर वन है इसी तरह एग्जांपल है लेट्स से डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क् प्लस एक्स वाई डी वाई बाय डी एक्स स्केयर इक्वल जीरो नदर एग्जाम्पल इसमें देखें कि यहां पर ये डी वाई बाय डी एक्स है और होल पावर टू है और यहाँ डी टू वाई ओवर डी एक्स स्केर यानी ये सेकेंड डेरिवेटिव है और ये फर्स्ट डेरिवेटिव है तो ये जो है सेकेंड डेरिवेटिव है ये इससे हाईएस्ट है इसका मतलब है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर टू है यहां मैं इधर लिख लेती हूं ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर वन है तो यहां पर चूंकि ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया हुआ है इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर टू है एन अदर एग्जाम्पल वन प्लस डी वाई बायस स्केयर पावर होल पावर थ्री बाय टू इक्वल डी टू वाई ओवर डी एक्स स्केर अब इसमें भी हमारे पास यहां पर यह डीवाई बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव है ये डी टू वाई ओवर डी एक्स स्केयर चाहिए ये इसके ऊपर स्केयर भी है थ्री बाई टू भी है लेकिन ये सेकेंड डेरिवेटिव है और ये फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का हमने देखना था तो हाईएस्ट डेरिवेटिव चूंकि सेकंड डेरिवेटिव है इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर टू हो गया एन अदर एग्जाम्पल एक्स पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स प्लस वाई पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई इक्वल एन एक्स अब ये हमारी जो डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें जो है डिफ्रेंशिएट हुआ हुआ है ये z विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y बेशक ये भी यानी वन टाइम डिफरेंशियट ये भी वन टाइम डिफ्रेंशिएट तो इस पूरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर वन हो गया फिफ्थ एग्जांपल लेट्स सी पार्शियल टू यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल टू यू ओवर पार्शियल वाई स्केयर प्लस पार्शियल टू यू ओवर पार्शियल जेड स्केयर इक्वल जीरो अब ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जाम्पल है तो इसमें तीन वेरिएबल्स हैं एक्स वाई एंड जेड जिसके रिस्पेक्ट से ये डिफरेंशिएट हुआ हुआ है और तीनों में जो हाइएस्ट बनता है वो सेकेंड ही इनका ऑर्डर बनता है क्योंकि ये टू टाइम्स ही डिफरेंशिएट हुआ हुआ है तो इसका भी ऑर्डर जो है वो टू है अब डेफिनेशन uh, देखते हैं डिग्री की व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के की डेफिनेशन है द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव दैट अपियस इन द इक्वेशन यानी क्या इंपॉर्टेंट uh, है ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट एंड हाइस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव यानी जो हाइएस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव होगा उसकी पावर जो है वो डिफ्रेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाती है अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन यानी जो पावर हो वो एक इंटीचर की फॉर्म में होनी चाहिए ना कि यानी फ्रैक्शनल पार्ट में हो तो अब इसको एग्जाम्पल्स से देख लेते हैं यही एग्जाम्पल्स को हम डिग्री के लिहाज से भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि दोनों के दरमियान अच्छे से फर्क और आपको पहचान हो सके जो ये फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें तो चूंकि ये सिंगल ही डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यही है इसलिए इसका चूंकि ये वन टाइम डिफ्रेंशिएट हुआ हुआ है इसका ऑर्डर वन आ गया अब इस डेरिवेटिव की पावर भी जो है वो देखा जाए तो वन ही है इसलिए इसकी डिग्री वन बन गई अब यहां पर ये जो सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें डी टू ये सेकेंड डेरिवेटिव है और ये फर्स्ट डेरिवेटिव इसकी बेशक पावर टू है लेकिन हमेशा हमने जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर देखनी होगी अब हाईएस्ट डेरिवेटिव इन दोनों में यही है इसलिए इस ये इसकी आ, जो पावर है वो वन है यानी ऑर्डर तो इसका टू है क्योंकि ये सेकेंड टाइम सेकेंड टू टाइम्स जो है वो डिफ्रेंशिएट हुआ हुआ है लेकिन इसकी पावर जो है होल इसकी पावर वन ही है इसलिए इसकी डिग्री भी वन है अब नेक्स्ट ये एग्जाम्पल ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन ऑफ इन टर्म्स ऑफ एम सी क्यूज और क्विजिज है कि यहाँ पर इसमें ये जो मैंने कहा है कि एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस यानी जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जिससे इन एक फर्स्ट थ्री एग्जाम्पल्स में डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है तो डिपेंडेंट वेरिएबल वाय और इसका डेरिवेटिव जो है उसमें ना कोई रेडिकल ना कोई वो फ्रैक्शनल पार्ट में जो है वो इन्वॉल्व हो जिससे यहाँ पर पावर जो है वो थ्री बाई टू की शक्ल में लिखी है ये थ्री बाय टू की शक्ल में नहीं होनी चाहिए इसको एक इंटीजर की फॉर्म में होनी चाहिए यानी अब यहां पर पावर जो है होल पावर थ्री बाय टू लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है इसका आ, जो है इसको अब ये जो जितने भी इसके डेरिवेटिव्स हैं उसको फ्री फ्रॉम रेडिकल करने के लिए इसको हम दोनों साइड्स पे आ, पावर ले लेंगे टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर भी पावर जो है वो टू आ जाएगी और यहाँ जब पावर टू लेते हैं तो ये टू टू खत्म हो जाती है अब हमारी जो ये डिग्री फाइंड करने के लिए इंपॉर्टेंट है हमने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है तो चूंकि ये हाईएस्ट ऑर्डर है तो ऐसे केस में इसकी डिग्री जो है वो टू बन जाएगी फिर ये हाईएस्ट ऑर्डर है और इसकी जो डिग्री है वो टू आ जाएगी वरना देखते ही जिस तरह ये थ्री बाय टू लग रहा होता है तो जबकि हमने हाईएस्ट डेरिवेटिव और उसकी पावर देखनी है अब इसी तरह पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की अगर एग्जांपल देख लें तो ये वाली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल है तो ये चूंकि फर्स्ट ऑर्डर ही है तो इनकी पावर भी वन ही है तो इनकी डिग्री भी वन आ जाएगी अब ये वाली जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स लिए हुए हैं तो इनका ऑर्डर तो सेकंड आ गया लेकिन इनकी डिग्री जो है वो वन आ गई